नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह, सैनिक वेलफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ड्रेस अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। 2 अगस्त 2017 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर डिसीजन लिया है और इससे पहले जो एग्जिस्टिंग अलाउंसेस थे उनको सप्रेशन किया है। ड्रेस अलाउंसेस से रिलेटेड यूनिफॉर्म अलाउंसेस, क्लोथिंग अलाउंसेस, इनिशियल इक्विपमेंट अलाउंसेस, किट मेंटेनेंस अलाउंसेस, रॉब अलाउंसेस, रॉब मेंटेनेंस अलाउंसेस, शू अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस एंड वॉशिंग अलाउंसेस सब सम किया है सिंगल ड्रेस अलाउंसेस में। इस टेबल में कैटेगरी वाइज देखिए एम्प्लॉयज को पर एनम क्या क्या कितना अलाउंस मिलेगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG ऑपरेशनल, इन कर्मचारियों को 27,800 पर एनम मिलेगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG नॉन ऑपरेशनल, इन कर्मचारियों को 21,225 रुपए पर एनम मिलेगा। ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CAPF, CPO, RPF, RPSF, IPS, कोस्ट गार्ड 20,000 रुपए पर एनम मिलेगा। मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफ DNPS, ACP ऑफ दिल्ली पुलिस, अदर यूनियन टेरिटरीज, इन कर्मचारियों को 15,000 पर एनम मिलेगा। एग्जीक्यूटिव स्टाफ ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, बोथ इन समर एंड समर कम विंटर, इंडियन कोऑपरेट लॉ सर्विस, ICLS ऑफिसर्स, लीगल ऑफिसर्स एंड NIA, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पर्सनल इन मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता एंड ऑल चेक पॉइंट ऑफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक ऑफ डिफेंस सर्विसेज, CAPF, RPF, पुलिस फोर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, स्टेशन मास्टर ऑफ इंडियन रेलवे, ये सारे कर्मचारियों को 10,000 पर एनम मिला करेगा। अदर कैटेगरीज ऑफ स्टाफ हु वर सप्लाइड यूनिफॉर्म एंड आर रिक्वायर्ड टू वियर देम रेगुलरली लाइक ट्रैकमैन, रनिंग स्टाफ ऑफ इंडियन रेलवे, स्टाफ कार्स, ड्राइवर्स, MTS, कैंटीन स्टाफ ऑफ नॉन स्टेटरी डिपार्टमेंट कैंटीन एक्सेट्रा, इन कर्मचारियों को 5,000 रुपये पर एनम मिलेगा। दोस्तों, ये अमाउंट्स साल में एक बार क्रेडिट होगा आपके जुलाई के महीने में। ये अलाउंस कर्मचारियों की बेसिक यूनिफॉर्म को कवर करता है, स्पेशल क्लोथिंग जैसे कि सियाचिन में मिलता है, इनसाइड सबमरीन, फ्लोरोसेंट क्लोथिंग प्रोवाइडेड एट ट्रैकमैन, इंडियन रेलवे और IB पर्सनल पोस्टेड एट हाई एल्टीट्यूड, ये जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से मिलता रहेगा। आउटफिट अलाउंसेस पेड इन इंडियन फॉरन सर्विस ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय, ये कंटिन्यू रहेगा और ये पहले से 50% बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, आपका ड्रेस अलाउंस 25% इंक्रीज होगा जब आपका 50% DA क्रॉस होगा। अगर सेकेंड टाइम फिर 50% यानी 100% होगा तो फिर 25% बढ़ेगा, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। और ये ऑर्डर 1 जुलाई 2017 से लागू है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।